नमस्कार, कैसे हैं आप? देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 पर आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज बुलेटिन टॉप 9। आज ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। ममता बनर्जी खुद कहां से चुनाव लड़ेंगी? ममता ने क्यों छोड़ी अपनी परंपरागत सीट? किसको मिला टिकट? किसका पत्ता कटा? बीजेपी की लिस्ट कब होगी जारी? और क्या है बीजेपी की सुपर 30 की तैयारी, सुपर 60 की तैयारी? बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बंगाल। ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए TMC उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। ममता ने ऐलान किया कि TMC 291 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, जबकि दार्जिलिंग, कार्शियांग और कालिम्पोंग की सीट गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ी गई। TMC के 291 उम्मीदवारों में 50 महिलाएं और 42 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी, जबकि भवानीपुर से सोवनदेव चट्टोपाध्याय को TMC का टिकट मिला है। ऐसे में नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की सीधी टक्कर हो सकती है। ममता 10 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगी। ममता सरकार में मौजूदा वित्त मंत्री अमित मित्रा चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं राज्य मंत्री बच्चू हांसदा का टिकट भी काट दिया गया। हाल ही में TMC ज्वाइन करने वाले मनोज तिवारी शिवपुर से चुनाव लड़ेंगे। अदिति मुंशी को राजरहाट से टिकट मिला है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने के बाद ममता बनर्जी ने कहा, खेलेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ममता ने कहा कि माँ, माटी और मानुष का आशीर्वाद चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहरी लोग यहाँ आकर खेला में पैसों की ताकत दिखा रहे हैं। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालविया ने ममता बनर्जी के सीटों के ऐलान पर सवाल उठाए। मालविया ने कहा कि ममता हार के डर की वजह से अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ रही, क्योंकि उन्होंने वहां जन विरोध को भांप लिया है। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने 60 सीटों पर उम्मीदवारी लगभग तय कर दी है। सूत्रों के मुताबिक टिकट बंटवारे पर मोहर लग चुकी है और जल्द ही इसका आधिकारिक ऐलान हो सकता है। कुल 294 सीटों के लिए बीजेपी से 8,000 दावेदारों ने टिकट की मांग की है। 7 मार्च को कोलकाता के परेड ग्राउंड में होने वाली पीएम मोदी की रैली में सौरव गांगुली के शामिल होने की अटकलों को कैलाश विजयवर्गीय ने खारिज कर दिया है। बीजेपी महासचिव का दावा है कि पीएम मोदी की ऐतिहासिक रैली में लाखों लोग शामिल होंगे। 7 मार्च को पीएम मोदी के बंगाल दौरे के दिन ही ममता बनर्जी भी शक्ति प्रदर्शन करेंगी। सिलीगुड़ी में उनका रोड शो है। रोड शो पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि जनता ममता बनर्जी को रोड पर लाएगी। बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन साउथ 24 परगना की गोसाबा विधानसभा सीट पर बीजेपी नेता चित्ता प्रमाणिक ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। भारी भीड़ के साथ चुनाव प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता चित्ता प्रमाणिक ने अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।